जनपद उत्तरकाशी के सरस्वती विद्या मंदिर चिन्याली सौड़ में मेधावी छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण शामिल हुई। आयोजित समारोह के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सरस्वती विद्या मंदिर के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों की रुचि शिक्षा के साथ साथ संगीत, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं सामाजिक कार्यों में हो, इसके लिए माता पिता को अपने बच्चों को प्रतिभा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आज वो समय आ गया है जब हमें बेटी के साथ साथ बेटों को भी घर से अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है, जिससे अच्छे एवं आदर्श समाज का निर्माण हो सके। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। अपना ये विद्यालय 1985 में स्थापित हुआ था और उसके बाद निरंतर प्रगति पायदान पर बढ़ता हुआ आज 23 वर्ष से यहाँ उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 10 अधिकतम 15 बच्चे रहते हैं। यहाँ के बच्चों ने पहली रैंक इंटर में ली है, पहली, दूसरी और 1 से 25 तक रैंक प्राप्त की है। समाज के सहयोग से और कॉलोनी परियोजना के सहयोग से विद्यालय निरंतर प्रगति पथ पर है। आज यहाँ के विद्यार्थी PS IAS के पदों पर और अनेक विभागों में अच्छे पदों पर विराजमान है। विद्यालय परिवार उनके लिए इस काम से बड़ा खुश है। मेरा आचार्य परिवार और हम इस काम में निरंतर लगे हुए हैं। अपने विद्यावारती के अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम एक अच्छा विद्यालय संचालित कर रहे हैं, इसमें हमको बड़ा हर्ष होता है। और निरंतर मेरा भी अपना, जब तक मैं लगभग 35 वर्ष यहाँ पर काम कर चुका हूँ, अपना ये है कि यहाँ से निरंतर बच्चे अच्छे पदों पर जाते रहें। मैं बाबा विश्वनाथ से सबके सुखद जीवन की कामना करता हूँ, सर्वे भवन के सुखनों की कामना करता हूँ। इतनी बात कह सकते हैं, अपनी बात। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं विद्या मंदिर चिन्याली सौड़ पहुँची हूँ। बच्चों की तादाद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अभिभावकगण भी पहुँचे हैं। यहाँ पर आज मेधावी छात्रों को हमने सर्टिफिकेट्स दिए हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है, अच्छा लगा। यहाँ पर बच्चों ने अपनी कलाएँ भी दिखाई और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे दूर दराज इलाकों में भी बहुत सुंदर स्कूल चल रहे हैं और जो प्रयास हमारा है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, जो हमारे नौनिहाल हैं उनको हम अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दे सकें, वो विद्या मंदिर के माध्यम से होते हुए मुझे नजर आता है चारों तरफ। तो मैं चिन्याली सौड़ में जो विद्या मंदिर चल रहा है उनके प्रधानाचार्य जी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ।